वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल एमी की दुनिया। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के बाज़ार में। तो गाइस आज आ गए हैं दरभंगा के चाय सुट्टा बार में, जो कि 15 मई को ओपन हुआ है आज ही के दिन। और आज है संडे का दिन और आज के दिन कॉफ़ी चाय सब बिल्कुल फ्री है। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का क्या है सीन। और काफ़ी भीड़ है बाहर में और अंदर में देखते हैं क्या है सीन। तो चलिए नीरज भैया ऑल इंडिया चाय सुट्टा बार का यही मैनेज करते हैं, कुछ भी हो कॉल कर दीजिए। और तो जरा हमारे पब्लिक लोग को बताएं, चाय सुट्टा बार है ये बिगेस्ट चाय प्लान जो इंदौर का कई कंपनी है। 350+ आउटलेट है इसके, आपके शेर दरभंगा में आया हुआ है न्यू। तो यहाँ आइए, लुक लीजिए, आज फ्री चाय कोल्ड कॉफी है। बाकी वो उन लोग को कहाँ से मिलेगा जो लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे दे दिया, अगर जो देखेंगे जिसको मजा आने जिसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है हरवासी को मिलना चाहिए जो बात है। तो भैया इसका आप एक बताइएगा कि जिस दिन इसका ओपनिंग होता है उस दिन फ्री क्यों रहता है? उसके दिन फ्री रहता है कि एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये है सीन क्या? क्या बोल रहे हैं कि जितना भी चाय सुट्टा बार कोई भी सिटी में ओपन होता है तो उस दिन फ्री रहता है? क्या बात करते हैं, सही में पहला ब्रांच कहाँ पे हम लोग को बता दीजिए, हम लोग को बता दिया करिए। मुजफ्फरपुर, तो हम लोग कल फिर से मुजफ्फरपुर सोचेंगे तो जा सकते हैं भाई चाय पीने फ्री का। हाँ भाई हम भी जाएंगे, भाई कार से निकल जाएंगे, आप भी जा रहे हैं भैया क्या फ्री का चाय पीने कल? और कॉफी भी साथ में गर्मी के टाइम में, वो भी कोल्ड कॉफी। हम लोग हैं चाय लवर, चाय इज लव ब्रो। हम लोग
लोगों के साथ। अमर अंकल आए हुए चाय सुख बार के ये रिबन खा के और काफ़ी प्रॉज वाली फीलिंग हुई क्योंकि ये हायाघाट के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और अंकल जरा चाय सुख बार के बारे में बताइए जो कि दरभंगा में आकर्षित हो रहा है, तो ज़रा बताइए जरा। चाय सुख बार जी निश्चित रूप से दरभंगा की जरूरत आज का युवा का चाहत होता है, इस तरह का शौक अपने सिटी में हो। बड़े बड़े शहरों में लोग देखा करते थे, आज दरभंगा सिटी में इस तरह का जो दुकान खुला है तो निश्चित रूप से दरभंगा के लिए बड़ी बात है। और दरभंगा भी इस तरह के सोच वाले को तरक्की दे, ये शौक बहुत अधिक चले, ये सुखान। और यहाँ के लोग पहले सोचते थे कि काश हम भी जाके बाहर में इस तरीके के मॉल से जाते हैं, फोटो क्लिक करते और चाय का आनंद लेते, बट आप दरभंगा के आज दरभंगा शहर में आज इसका ओपनिंग हो गया और इसके काफ़ी सारे ब्रांड, ये जबकि इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर में भी चाय सुच्चा बार का एक ब्रांड टाइप का खुल गया। और इनका जो फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर है 3 लाख से स्टार्ट किए थे और आज की डेट में अंकल वो 100 करोड़ के जो है ना बना लिए अपना प्रॉपर्टी, टर्नओवर उनका 100 करोड़ का हो चुका है। और 3 लाख से जो स्टार्ट किए थे उनके पापा झाड़ू देके मारे थे कि तुम चाय का दुकान करोगे और वो UPSC छोड़ के चाय सुच्चा बार का ओपनिंग किए और एक ब्रांड बना दिए जो कि पूरे विश्व में चल रहा है उनका। तो काफ़ी सीखने को मिलता है इन लोग से, जो कोई भी सोचते नहीं कि कोई भी काम छोटा होता है। जरा अंकल इसके बारे में बताइए कि लोग क्या कहेंगे। और हमारे जस्ट बगल में एक बीकेक चाय वाले, उनके मम्मा पापा डॉक्टर, उनके पापा डॉक्टर है, उनके दादाजी टीचर है और चाय का दुकान खोले, तो उनके पापा डायरेक्ट बोले तुम्हें चाय चाहिए या फैमिली चाहिए, तो अंकल इसके बारे में आप जरा बताइए हमारे पब्लिक लोगों को क्या होना चाहिए। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप किस सोच से काम करते हैं जी। अगर छोटा काम को बड़ा सोच से करते हैं जी जी तो इस टाइप का आप ब्रांड बनेंगे आगे जी। आप बड़ा काम को छोटा सोच से करते हैं तो आपका बड़ा काम भी छोटा दिखने लगता है, इसलिए आपका सोच बड़ा होना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज ये ब्रांड बनी है तो इसलिए लड़का का कुशलता का देन है ये, अगर इसे काफी मेहनत की है इसलिए आज आके इतना बड़ा ब्रांड बना लिए हैं चाय सुच्चा बार, जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर भी चाय सुच्चा बार का चल रहा है। तो अंकल आपसे मिलके काफी अच्छा लगा और इसी तरह हम लोग पे आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत हमारे साथ एक अंकल है और ये जो चाय सुच्चा बार का जो ऑनर है ना उनके मित्र है, तो अंकल जरा ये चाय सुच्चा बार के बारे में बताइए और थोड़ा बताइए पब्लिक लोगों को कि क्या है दरभंगा में, ये जो लोग नहीं आए हैं नहीं देखे उन लोगों के बारे में जरा बताइए, जो आके देखें ट्राई करें एक बार जरूर अपने मित्र के लिए। मेरे मित्र मिस्टर रोशन लाल अरोड़ा ने जो भी ये चाय सुच्चा बार खोला है, उनके पिताजी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं जी, हमारे गार्जियन हैं वो और दादाजी भी है, दादाजी भी हैं हमारे गार्जियन हैं वो। और इस तरह का चीज़ दरभंगा में पहली बार खुला है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी चीज़ खुलनी चाहिए, आज के युवा ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं और इस तरह का लाने से शहर का भी वैल्यू बढ़ता है, समाज का एक सोच बदलती है और उस सोच के अंदर में आजकल जो हमारे स्टूडेंट हैं बच्चे हैं वो जो देखना चाहते हैं जाते हैं, दरभंगा में कुछ नहीं है, दरभंगा में कुछ नहीं है, पटना में ये है, फलाने जगह ये है, दरभंगा अब आपका दरभंगा दरभंगा नहीं रह गया, दरभंगा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं दरभंगा के बाहर लोगों को कहूँगा कि वो अब अगर 10 साल पहले दरभंगा आए थे तो अब एक बार दरभंगा शहर जरूर आके देखें, वो 10 साल में जो दरभंगा थी अब वो दरभंगा नहीं रह गई है। और मैं अपनी तौर से रोशन लाल जी हम अपने मित्र को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और उनके बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे बढ़े और कार्यक्रम करते रहे। थैंक यू अंकल। तो हमारे साथ अंकल जी, अंकल जी आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, कैसा लग रहा है फ्री का कोल्ड कॉफ़ी? अच्छा है। और कल से भी आइए, आज तो फ्री में मिल रहा है बट कल से पैसा लगेगा, तो फ्री का मजा उठाइए। और कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा। दरभंगा में पहली बार ये आप ट्राई किए हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। और आपके शहर दरभंगा को एक गिफ्ट मिला है चाय सुच्चा बार की तरफ से, जो कि नागा 5 पे उमा सिनेमा के बगल में है, तो हमारे दरभंगा के लिए काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग है। तो आपको कैसा लग रहा है दरभंगा, क्या विकास हो रहा है ना धीरे धीरे? हाँ जी, धीरे धीरे लग रहा है कि हम लोग बाहर आ गए हैं, कोलकाता आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, वैसा ही हम लोगों को फील मिलने वाला है। तो ये रहा चाय सुच्चा बार, देख लीजिए कितना चाय मांग रहे हैं। ए भाई छोटू, कोल्ड कॉफ़ी पियो, कैसा लगा तुमको? कोल्ड कॉफ़ी पिए हो अभी तक? टेस्ट किए हो? नहीं किए हो? तो ज़रा एक बार टेस्ट करो। टेस्ट कर लियो तुम, कैसा लगा? बहुत अच्छा। फ्री में मिला?
जाइए जाइए, फ्री में मिल रहा। तो ये भाई लोग हैं जो फ्री में चाय पीने के लिए आप जा रहे हैं, इन लोग को नहीं पता था तो हम लोग ने बता दिया। चाय पिए तो कैसा लगा है आपको कोल्ड कॉफी का? बहुत अच्छा लग रहा है। और दरभंगा का ये फर्स्ट टाइम है चाय सुच्चा बात, तो आप लोग कॉफी पिए या चाय पिए? कॉफी पिए। कैसा लगा कॉफी आप लोग को? और कल से भी आइए, आप लोग टेस्ट करिए। आज पीने का है तो थोड़ा कुछ कम भी होगा, कल और अच्छा क्वालिटी में मिलेगा। साथ एक भाई है जो चाय पी रहे। छोटू चाय पी के कैसा लग रहा है तुम्हें? और चाय सुच्चा बार का चाय दरभंगा में फर्स्ट टाइम है तो कैसा लगा चाय पी के? और घर के बगल में हम, तुम्हारा घर कहाँ पे है? पुरानी मुंसफी में और बगल में नागा पांच है, और यहीं पे चाय सुच्चा बार खुल गया। तो ना आपको गाड़ी का तेल ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे सुच्चा अवेलेबल नहीं है अभी। और भैया चाय पीने आप कैसा लगा चाय आपको? चाय सुच्चा बार का बहुत मस्त लग रहा है आपको चाय पी के? और दरभंगा में ये पहली बार आया है चाय सुच्चा बार। भाई घर पे बोल के आ सकते हो कि हम जा रहे हैं चाय सुच्चा बार में चाय पीने के लिए।